नमस्कार, लोबिसिस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। इसके लिए हमें चाहिए पास्ता, 250 ग्राम पास्ता लिया है हमने, कटी हुई प्याज, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च। अगर आपको लाल या पीली शिमला मिर्च नहीं मिली तो आप सिर्फ हरी शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, या आप आपके पसंद की सब्जियां भी ले सकते हैं, जैसे कि गाजर, ब्रोकोली, मशरूम या स्वीट कॉर्न, कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। दरदरा सा किया हुआ लहसुन लिया है, लहसुन के हमने 7-8 कलियां ली है, आप लहसुन बारीक काट के भी ले सकते हैं। मिक्स हर्ब्स ओरिगैनो लिया है, मार्केट में पास्ता सीजनिंग मिलता है, आपने वो लिया तो भी चलेगा। काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक, ये है बटर और चीज़। पास्ते के लिए हमें पहले क्या करना है, हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। इसमें हम एक बड़ा सा प्याज काट के डालेंगे। प्याज से क्या होता है, हमारे दूध को एकदम अच्छा सा फ्लेवर आता है और इससे व्हाइट सॉस बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हमें दूध 15 से 20 मिनट तक उबालने के लिए रख देंगे। दूध ज़्यादा गाढ़ा ना हो इसलिए इसमें हमने 1.5 कप पानी डाला है। अब हमें पास्ता बॉईल करना है, उसके लिए हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी को उबाल आ गया है, अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, एकदम थोड़ा तेल डालेंगे। पानी उबालने के बाद ही पानी में हम पास्ता डालेंगे। पास्ते को हम 5 से 6 मिनट तक उबालने देंगे। देखिए पास्ता उबल रहा है। पास्ता हमें 80% ही पका हुआ चाहिए, क्योंकि पास्ता सब्जियों में और व्हाइट सॉस में भी फिर से पकता है। हमारा पास्ता 80% पक गया है। देखिए आपको मैं काट के दिखाती हूँ, ये व्हाइट लकीर आती है तो हमारा पास्ता 80% पका हुआ है। अब हम पास्ता पानी से बाहर निकालेंगे ताकि वो ज़्यादा ना पके। हमें ऐसा खिला खिला ही पास्ता चाहिए, वो ज़्यादा चिपचिपा ना हो, इसलिए उसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे। अब देख सकते हैं पास्ता कितना खिला खिला हुआ है। आइए अब सब्जी बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 टेबलस्पून तेल गरम करके लिया है। इसमें अब हम दरदरा सा किया हुआ लहसुन डालेंगे, वो 1/2 मिनट तक भुनेंगे। लहसुन का फ्लेवर पास्ता में बहुत ही ज़रूरी है। इसका कच्चापन थोड़ा कम होने देंगे। उसमें प्याज डालेंगे, इसको भी एकदम थोड़ा चलाएंगे। इसके बाद लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च, इसको सिर्फ 1/2 मिनट तक ही चलाएंगे, क्योंकि हमें हमारी सब्जियां क्रंची चाहिए। थोड़ा नमक डालेंगे, एकदम थोड़ा डाला है क्योंकि पास्ता में भी हमने नमक डाला है, और व्हाइट सॉस करेंगे उसमें भी नमक रहेगा। अब हमें व्हाइट सॉस बनाना है। इसके लिए हमने 3 टेबलस्पून बटर लिया है और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसका प्रमाण समान चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर हमें जलने नहीं देना है, नहीं तो व्हाइट सॉस की टेस्ट बिगड़ जाएगी। हमें कॉर्नफ्लोर ज़्यादा नहीं भुनना है, इसकी अच्छी सी खुशबू आने तक ही इसे हमें होने देना है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी ले सकते हैं। 2 मिनट तक इसे भुनेंगे। आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर का कच्चापन गया है, सिर्फ खुशबू आ रही है, कलर चेंज नहीं होने दिया है। ये दूध है जिसे हमने 15 से 20 मिनट तक उबालने के लिए रखा था। अब इसमें से हमने प्याज छान लिए हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे से दूध डालेंगे, अच्छे से चलाएंगे। हमें गुठलियाँ बिल्कुल होनी नहीं देनी है। आप लगातार दूध डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे तो गुठलियाँ बिल्कुल नहीं तैयार होगी। हमें दूध और कॉर्नफ्लोर को लगातार चलाना है। देखिए व्हाइट सॉस तैयार है, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं है। आपको सॉस अगर ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मुझे भी ये सॉस थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैंने यहाँ थोड़ा पानी डाला है। देखिए व्हाइट सॉस कैसे सिल्की लग रहा है। अब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स हर्ब और ओरिगैनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक डालेंगे,
आपको ये गाढ़ा लगे तो आप फिर से थोड़ा पानी डाल सकते हैं। एकदम थोड़ी चीनी डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा एकदम परफेक्ट व्हाइट सॉस तैयार है। थोड़ा चीज़ डालेंगे, इसमें अब हमारी पकी हुई सब्जियां डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बाद में पास्ता डालना है, फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए व्हाइट सॉस पास्ता तैयार हो गया है। अब इसको ज़्यादा पकाना नहीं है तो हम गैस बंद करेंगे। इसमें थोड़ा क्रीम भी डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। यम्मी टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता खाने के लिए तैयार है। पहले पास्ता डालेंगे, अब इसके ऊपर हम चीज़ का एक लेयर डालेंगे, एक लेयर और डालेंगे हम पास्ता का। देखिए पास्ता कितना सुंदर दिख रहा, कलरफुल दिख रहा। जितना वो कलरफुल सुंदर दिख रहा उतना ही वो टेस्टी भी है, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। अब इसके ऊपर हम फिर चीज़ डालेंगे। हमारा पास्ता खाने के लिए एकदम रेडी है। आप ये बना के देखिए, आपको ये डिश बहुत पसंद आएगी। इसमें बटर चीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी खाना एंजॉय करने के लिए हमें हमारे जो रिस्ट्रिक्शन से खाने के छोड़ देने चाहिए और खाने का मज़ा भी लेना चाहिए। तो आप ज़रूर बनाइए, टेस्ट कीजिए। धन्यवाद।